नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। एक घर एक परिवार में दो कानून, ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा, मोदी जी ने कहा। सीनेट में विधेयक पारित, न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी होगी। वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी, सड़क पर न पढ़े नमाज, कुर्बानी का फोटो न डाले। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में लगाई गई शिक्षकों की ड्यूटी निरस्त, आदेश जारी। तीन राज्यों में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 24 जुलाई को होंगे। केंद्र का दावा, 100 शहरों में टमाटर 30 रुपये किलो से भी कम। भारत और पाकिस्तान 15 अक्टूबर को भिड़ेंगे, 10 शहरों में 48 मुकाबले होंगे। अमेरिकी सदन में संशोधित प्रस्ताव, भारत अडिग, नाटो प्लस के दर्जे की कवायद रुकी। केक करेगा केजरीवाल के बंगले का ऑडिट। नई दिल्ली के करोल बाग में बाइक गैरेज में पहुंचे राहुल गांधी। मणिपुर के थानों से लूटे गए हथियारों को बेच रहे उपद्रवी। पुतिन से बगावत करने वालों का अंजाम या तो जेल या फिर हत्या। हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग में ममता घायल। चीन में समिट से पहले बीजिंग में SCO सचिवालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन। ट्रंप ने जनरल के साथ ईरान पर हमले की योजना साझा की थी, ऑडियो आया। नई दिल्ली में सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोरा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।